पाठ 12। जब मैं यूरोप गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान और चिंतक भी थे। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होने के कारण उनका जीवन सादगी और सरलता का उदाहरण था। प्रस्तुत संस्मरण में उन्होंने अपनी प्रथम विदेश यात्रा के अनुभवों का वर्णन किया है। यह मेरी पहली विदेशी यात्रा थी। मित्रों की सलाह पर मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं हमेशा केवल खादी ही पहना करता था। विदेश जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार द्वारा मंगवाकर बनवाए। कपड़ों की कांट छांट भी देशी रखी। मैंने अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। इससे दो लाभ हुए। एक तो बहुत कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गए। दूसरा, पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीति नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता है। अपना रहन सहन कायम रखने से यह सब झंझट दूर हो जाते हैं। विशेषकर मेरे जैसे आदमी के लिए यह झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन भर कपड़े और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कपड़ों को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन मात्र समझा है। जहाज में मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपत्ति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करते हुए समय आसानी से कट गया। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब तक जहाज स्वेज नहर से गुजरता है, तब तक थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहे वो मोटर कार द्वारा जाकर कैरो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिंक्स को देखकर आ सकता है। मैंने ये देख जाना उचित समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी वहां जाने का प्रबंध कर लिया। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज से उतरकर मोटर पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहां पिरामिडों की खुदाई से निकली चीजें सुरक्षित हैं। यह अजायब घर बहुत सुंदर है। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों के शव यानी ममी जो पिरामिडों से निकले हैं का चेहरा और हाथ पैर ज्यों के त्यों हैं। वह जिस कपड़े में लपेटकर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा ही लिपटा हुआ है। वह कपड़ा बहुत ही महीन हुआ करता था। कहते हैं वह भारत से ही जाया करता था। उन दिनों वहां के निवासियों का विश्वास था कि आराम के सभी साधन यदि मुर्दे के साथ गाड़ दिए जाएं, तो वह उनसे परलोक में भी आराम पा सकता है। इसी विश्वास के अनुसार पिरामिडों के अंदर शव के साथ सभी आवश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती थी, जैसे पहनने के कपड़े और गहने, बैठने के लिए चौकी, खाने के लिए अन्न, श्रृंगार के सामान, सवारी के लिए रथ और नाव भी। वो सब चीजें एक से एक अच्छी बनी है। उन्हें देखने से ज्ञात होता है कि उस समय भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई में मोहनजोदड़ो सिंध में जो गेहूं निकला वह वो देने पर उग गया। संग्रहालय की चीजें विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ साफ दिखने लगी। ऐसे दृश्य देखकर ये मालूम होने लगता है कि हम जो कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह कितना तुच्छ और अस्थाई है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। जो वहां इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं। यद्यपि अजायब घर का सफर मनोरंजक रहा, तथापि मेरे हृदय पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। मैं वहां से उदास ही निकला। संग्रहालय के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाई गईं, जिनमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र में मुसलमान पूरब की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं,
क्योंकि यहाँ से काबा पूरब की ओर पड़ता है। यह एक हिंदुस्तानी को अजीब सा लगता है। वहां की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की रहती हैं। वहां की भाषा अरबी है। यूरोपीय भाषाओं में सबसे अधिक प्रचार वहां फ्रेंच का है। लोग साफ सुथरे हैं। पुलिस वाले तुर्की फेस पहने हुए थे। यद्यपि कैरो पुराना शहर है, पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊंटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊंट की सवारी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैं कभी भी ऊंट पर नहीं चढ़ा था। पिरामिडों के नजदीक जाकर देखा, ये बहुत ऊंची चौखुटी इमारतें हैं। हमारे देश में जैसे ईंटों का पजावा बनता है, वैसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े बड़े चौरस टुकड़ों के बने हैं। पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई अधिक है, जो ऊपर की ओर कम होती गई है। ईंटों का पजावा छोटा होता है, पर पिरामिड बहुत बड़े और ऊंचे हैं। इनमें लगी एक एक ईंट 5 हाथ लंबी होगी। इसी के अनुपात में उनकी चौड़ाई और मोटाई है। एक एक ईंट काटकर न जाने कितने दिनों में इतनी बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा लगाया होगा, और यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए किया गया था। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है। ये इमारतें जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर हजारों वर्षों के बाद आज भी ज्यों की त्यों खड़ी है। स्फिंक्स एक अजीब चीज है। इसका मुंह मनुष्य का और शरीर दानव का है। एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शक्ल की बनी पड़ी है। सुनते हैं, प्राचीन काल में यह प्रश्नों के सही उत्तर देती थी, पर यह जो कुछ कहती थी उसको समझना कठिन होता था। अब ये बातें तो नहीं है, पर यह मूर्ति अवश्य उस काल का स्मरण कराती रहती है। भूमध्य सागर में पहुंचने पर कुछ सर्दी लगने लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अरब सागर से भी अधिक। भूमध्य सागर में हवा भी कुछ जोर से चलती थी, इसलिए जहाज कुछ हिलता था। इटली के निकटवर्ती सिसली टापू के पास होकर जहाज गुजरा। वहां का शहर कुछ दूर से देखने में आया। पहाड़ साफ नजर आता था। कुछ दिन बाद मार्सेल्स फ्रांस पहुंच गए। रास्ते में कोई विशेष बात नहीं हुई। समुद्री यात्रा में चारों ओर पानी ही पानी दिखता है। दिन रात पानी देखते देखते एक दो दिनों के बाद जी ऊब जाता है। अगर कहीं कोई गुजरता हुआ जहाज आ जाए या जमीन देखने में आ जाए तो बहुत आनंद आता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने लगते हैं मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं है। मार्सेल्स में हम सवेरे ही उतरे। वहां एक होटल में ठहर गए। वहां भी एक कुक कंपनी की कृपा से शहर के देखने योग्य सभी स्थानों को देख लिया। सवेरे जहाज से उतरते ही मैंने रात को रवाना होने वाली गाड़ी में अपने लिए जगह ठीक करा ली थी। दिन भर घूम घाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस से गाड़ी बदलकर कैले पहुंचा। वहां फिर जहाज पर चढ़कर संध्या होते होते डोवर में उतरा। डोवर से रेल में चढ़कर रात के लगभग 9 बजे मैं लंदन पहुंच गया। मैं मार्च के तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था, पर यहां अभी काफी सर्दी थी। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए लोग मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले से ले लिया गया था। वह गोल्ड स्क्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गया था। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं श्री रोमा रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि वो गर्मी के कारण काटरीगी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता बहुत सुंदर था। रेल ऊंचे पहाड़ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। मैं 2 दिन तक वहां रहा। बातचीत भी हुई। कठिनाई यह हुई कि मैं फ्रेंच नहीं जानता था और वो अंग्रेजी नहीं जानते थे। एक दुभाषीय की सहायता लेनी पड़ी, पर उसकी विद्या भी
कुछ अलग अंदाज की थी। वहां से चलकर मैंने वर्नटेल, न्यूटाटेल, लोसान और जेनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहां बाजार में घूम रहा था। एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े बिकते थे। एक लड़की बेचने का काम कर रही थी। वो अंग्रेजी भी जानती थी। मैंने हाथ के बुने कपड़े के बारे में बातचीत की। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह न केवल गांधी जी का नाम जानती थी, बल्कि गांधी जी के संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके थे उन्हें वह पढ़ गई थी। मैं वहां से फिर लंदन लौटा। लंदन से मैं हॉलैंड गया। वहां उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण किया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहां से मैं बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से मैं लिप्ज़िग पहुंचा और वहां एक दिन ठहरा। वहां प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहनी से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुंचने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार मैं म्यूनिख पहुंचा। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायब घर भी मैंने देखा। म्यूनिख से मैं वेनिस आया। वह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। वहां नाव के सिवा दूसरी सवारी नहीं चलती। पानी के बीच चट्टाने हैं, उन्हीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल्स से मुल्तान जहाज पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा।